ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा ये हमने ज्वाइंट कर दिया है। ज्वाइंट करने के बाद ये ऐसे बन जाएगा। ये हमने जो है स्क्वायर जो है ग्रेनी स्क्वायर 15 यहाँ पे ज्वाइंट किए हैं, और जो हाफ जो है हमने 4 जो स्क्वायर हैं उनको हाफ में बना के उनको ज्वाइंट किया है। ज्वाइंट करने के बाद हमारा ऐसे ट्रायंगल शेप रेडी हो गया है। अभी हम इनके सारी साइड में डबल क्रोशिया करेंगे ताकि जो ये जो कटवर्क है इनमें शेप आ जाए। डबल क्रोशिया करने के लिए अगेन हम ये थ्रेड लेंगे क्रीम शेड का, यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे इस कॉर्नर से। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट यहाँ पे चेन बनाएंगे 1 और 2। अभी सभी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये थ्रेड है जो इनको इसको साथ साथ में रखेंगे, यहाँ से इस वाले में जाएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट यहाँ पे जो चेन है 1 की, यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, अगेन चेन में कंटिन्यू करेंगे डबल क्रोशिया, ओके फ्रेंड्स, ये सभी चेन में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया करते जाएंगे और अपना यहाँ से ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। ये डबल क्रोशिया हमने जो है तीनों साइड में ऐसे ही करना है, ओके फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे किया है ऐसे ही पूरे में करेंगे। और ये डबल क्रोशिया हम यहाँ से लेके पूरे ट्रायंगल में यहाँ से लेके यहाँ पे एंड करेंगे। ऐसे ही डबल क्रोशिया करते हुए वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने इसकी तीनों साइड ऐसे डबल क्रोशिया कर लिया है। यहाँ हमने जो है यहाँ पे भी डबल क्रोशिया बनाया है। अभी हम इसके चारों तीनों साइड में यहाँ पे ट्रायंगल में छोटी छोटी लेस के जैसे बनाएंगे। लेस बनाने के लिए हम पिंक थ्रेड का यूज़ करेंगे। यहाँ से ऐसे क्रोशिया इंसर्ट करेंगे कॉर्नर से। एक नया स्टिच बनाएंगे। ओके फ्रेंड, ये जो थ्रेड है इनको ऐसे साथ साथ रखेंगे ताकि ये भी साथ में सिक्योर हो जाए। चेन बनाएंगे 1 2, जहाँ से हमने ये बनाया है पहला स्टिच वहीं पे डालेंगे क्रोशिया, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 चेन बनाएंगे और यहाँ से स्किप करेंगे 1 2 3 4 और 5 वाले में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और यहाँ से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ओके फ्रेंड, अगेन चेन बनाएंगे फिर से 1 2 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्पेस में से।
ये हमने 6 चैन डबल क्रोशिया बना लिया है। अगेन 1 चेन बनाएंगे, यहाँ से 1, 2, 3, 4 स्किप करेंगे और 5 वाले में क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और यहाँ से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये दोनों थ्रेड को साथ साथ में ऐसे रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। अगेन 1, 2 चेन बनाएंगे, सेम स्पेस में से डबल क्रोशिया करेंगे 6 टाइम। ओके फ्रेंड, 1 चेन बनाएंगे और यहाँ से 1, 2, 3, 4 स्किप करेंगे और 5 वाले में क्रोशिया इंसर्ट करके यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे। ओके फ्रेंड, ऐसे हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ से ये ऐसे लेस बनाते हुए तीनों साइड कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हम एंड में आ गए हैं इस राउंड के। लास्ट में अगेन हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे, 1, 2 चेन बनाएंगे और सेम स्पेस में से 6 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमने 6 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया है और इसको अगेन यहाँ पे ऐसे एंड करेंगे। यहाँ से स्लिप स्टिच बनाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको भी ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से ऐसे ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारे यहाँ से ये हमने बाउंड्री जो है पिंक थ्रेड से बना ली है। ओके फ्रेंड्स, अभी हमारा जो डिज़ाइन है वो ऐसे रेडी हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट हम यहाँ पे डोरी लगाएंगे इसको बांधने के लिए। डोरी बांधने के लिए हम यहाँ से अगेन इसको थ्रेड को ऐसे बड़ा करेंगे, कटर की हेल्प से कट करेंगे, अच्छे से टाइट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगेन यहाँ से ये पिंक थ्रेड फिर से लेंगे यहाँ डोरी बनाने के लिए, लेकिन इसको हम डबल करेंगे क्योंकि ये जो थ्रेड है हमारा थोड़ा सा पतला वाला है, तो हमें जो डोरी बनानी है वो थोड़ी सी मोटी बनानी है, तो इसलिए हम पूरे थ्रेड को ऐसे डबल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा सा थ्रेड जो है डबल कर लिया है यहाँ से। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमने ऐसे कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ से पकड़ेंगे, अगेन यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और यहाँ से एक स्टिच बनाएंगे। ओके फ्रेंड, ये हमने एक स्टिच बना लिया है। चारों को एक साथ निकालेंगे। ओके फ्रेंड, अभी हम डोरी बनाना स्टार्ट करेंगे। डोरी बनाने के लिए इन थ्रेड को अगेन सेपरेट कर लेते हैं। ये 4 है हमारे पास, ये हमने 2 इस साइड में किए हैं और 2 इस साइड में कर देंगे। नेक्स्ट ये जो हमारे पास छोटा वाला है जहाँ से हमने ये फोल्ड किया है इसको ऐसे पकड़ेंगे, देन यहाँ से क्रोशिए के ऊपर ऐसे रैप करेंगे और जो ये वाला थ्रेड है हमारे पास इससे चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, अगेन जो ये वाला थ्रेड है
इसको रैप करेंगे और यहाँ से स्टिच लेते जाएंगे। ऐसे रैप करेंगे और एक चेन बनाएंगे, रैप करेंगे, चेन बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है चेन रेडी हो रही है, ये देखिए, और ये मोटी मोटी बनी है। ऐसे हमने डबल करके इसको बनाना है। ओके फ्रेंड, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ के जितनी आप चाहते हैं उतनी इसकी लेंथ रख सकते हैं। ओके फ्रेंड, ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और अपनी ये डोरी कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे ये डोरी कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये हमने 5 की चेन बना ली है। यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और यहाँ एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। ओके फ्रेंड, अगेन यहाँ से हम एक फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए जैसे ये हमने पहला ये बनाया है, एक यहाँ से क्रोशिया में ऐसे थ्रेड घुमाएंगे, रिंग में डालेंगे और हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हाफ डबल क्रोशिया के लिए तीनों को एक साथ निकालेंगे। नेक्स्ट 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। अगेन इसी पैटर्न को रिवर्स करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, तीनों को एक साथ बाहर निकालेंगे और यहाँ से एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। ओके फ्रेंड, ये हमारा फर्स्ट पैटर्न बन गया है। नेक्स्ट अगेन डबल यहाँ से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन थ्रेड को ऐसे घुमाएंगे, रिंग में जाएंगे, तीनों को एक साथ निकालेंगे, 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2। नेक्स्ट अगेन हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, तीनों को एक साथ निकालेंगे, यहाँ से एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। ओके फ्रेंड, अगेन रिपीट करेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, तीनों को एक साथ निकालेंगे, 2 टाइम डबल क्रोशिया करेंगे सेम स्पेस में से। नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया और यहाँ से एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और बाहर आ जाएंगे। ओके फ्रेंड, ऐसे हमारे पास एक जो है छोटा सा फ्लावर रेडी हो गया है। थ्रेड को ऐसे बड़ा करेंगे, कटर की हेल्प से कट करेंगे। अच्छे से टाइट करेंगे और यहाँ से जो हमारा ये थ्रेड है इसके साथ नॉट लगाएंगे। ओके फ्रेंड, अभी हमारा ये ऐसे बन जाएगा। एक्स्ट्रा थ्रेड को हाइड करेंगे पहले यहाँ से, ये बैक साइड में थ्रेड को ऐसे पकड़ेंगे, तीनों को एक साथ यहाँ से क्रोशिया इंसर्ट करेंगे और इनको ऐसे
एक स्टिच बनाते हुए ऐसे बाहर करेंगे। ओके फ्रेंड, अगेन फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ से इनको ऐसे पकड़ेंगे, देन यहाँ से बाहर निकालेंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट करेंगे। ओके फ्रेंड, एंड में हमारा ऐसे एक छोटा सा फ्लावर बन जाएगा और ये हमारी डोरी वाला जो पार्ट है ये कंप्लीट हो गया है। जैसे हमने इस साइड में ये डोरी बनाई है, सेम हम ऐसे दूसरी साइड में भी बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी हमने ऐसे दोनों साइड में डोरी लगा दी है। डोरी लगाने के बाद हमारा जो बटाना है वो ऐसे रेडी हो गया है। ये जो हेड स्कार्फ है आजकल लड़कियां के ट्रेंड में बहुत है। कॉलेज की गर्ल्स इसको जो है वेयर करना बहुत लाइक करती हैं। अगर आप चाहें तो भी ये वीडियो देख के इसको इजीली बना सकते हैं। ये हेड स्कार्फ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू गाइज़।